हाय हाय, ये फिर हंडिया जला दी तेरी बीवी। तुम ये ड्रामे करने से बाज नहीं आओगी? फिर हंडिया जला दी है। हद होती लापरवाही की। हमने तुम्हें खाना बनाने को कहा और तुम यहाँ आराम फरमा रही हो। मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, मुझे हॉस्पिटल ले जाए। डॉक्टर पे जाने का ज्यादा शौक है ना, तो अपने बाप से कहो कि पैसे ढीले करे। वही बाप जो तुम्हें हमारे सर पे थोप के चला गया, पलट के पूछा भी नहीं। इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं, इसका इलाज मैं यहीं घर पे करूंगा। वाली साहब, हफ्ते पे हफ्ता गुजर रहा है, मैंने पहले भी तस्करा किया। अरे कबीर साहब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए, मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं है, तमाम तर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अप्रूवल हो चुकी है। असल में सिर्फ एक सीओ साहब के दस्तखत की वजह से आपका चेक रुका हुआ है और वो इस वक्त मुल्क से बाहर है। कुछ अंदाजा है वापसी कब तक होगी? वो जावेद साहब होते हैं, मैं उनसे मिल सकता हूँ? जावेद साहब भी इत्तेफाक से मुल्क से बाहर है भाई, मालिक लोग हैं, कुछ कह नहीं सकते। अब देखे ना, अगर मैं आपको कोई तारीख देता हूँ और उस तारीख को आपका काम ना हो सके तो शर्मिंदगी तो मुझे ही होगी ना। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा यहाँ आने का मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं है, बस कुछ मजबूरियाँ हैं। मैं एक चाय हो जाए? नहीं शुक्रिया, फिर से इंशाल्लाह, फिर से। वापस वापस तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? काफी देर से देख रही हूँ कि तुम अपना सर पकड़ के बैठी हुई हो। हाँ बस वो रात को सही से सो नहीं पाई तो अब सर में दर्द हो रहा है। मेरे पास सर दर्द की दवा है, अगर तुम बोलो तो ला दूँ। हाँ प्लीज। अच्छा, मैं लेके आती हूँ। थैंक यू। हेलो कुम, क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही है। अच्छा तुम रो नहीं, रो नहीं, मैं अभी आ रही हूँ, मैं निकल रही हूँ, बस तुम किसी को बताना नहीं। I'm just coming. अनमोल, ये दवाई। मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, उसका शौहर उसे हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा रहा, पता नहीं इतने बेरहम कैसे होते हैं लोग। अनमोल, लोग ऐसे ही होते हैं, तुम अपनी बहन के पास जाओ, इससे पहले वो लोगों से कोई और नुकसान पहुंचाए। तुम जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच।